अभी हो चुके हैं हम लोग एंटर। स्कूल की मैडम है, देखो बच्चों को छोड़ के फोटो खिंचवा रही है। कितनी बड़ी फिश है, पूरी प्लास्टिक से बनी हुई है। गाइस अभी देखते हैं हॉग डियर। हॉग डियर ये रहे देखो। ओ भाई कल जी इसके अंदर क्या है? सांभर है, आगे गौर है। अच्छा दिख गई गौर, दिख गई गौर, दिख गई आपके के अंदर। गर्मी ज्यादा पड़ रही है इन लोगों के लिए। और अभी दिखाता हूँ क्रोकोडाइल। विश्वास नहीं मानोगे क्रोकोडाइल है ये, मतलब शेर देखने चल रहे हैं। वो रहा सामने लॉयल। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग, आई होप कि आप अच्छे और मस्त हो गए और मजे कर रहे होगे। तो गाइस भाई जो आज का ब्लॉग है काफी या कमाल का होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है भाई कि आज हम कहां पे आए हुए हैं। और भाई जस्ट अभी मैं गेट के बाहर ही खड़ा हूं, मतलब आपको बता ही देता हूं। भाई हम आए हुए हैं नेशनल जू पार्क, जो कि दिल्ली के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी कमाल का है कि फिलहाल गेट के बाहर ही है। और टिकट मैंने कल ही घर पर ही बुक कर ली थी रात में, क्योंकि मैंने सोचा कहीं चलते हैं कल, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बाहर नहीं निकले। तो आज फाइनली आए हैं घूमने जू, मतलब यहाँ पर देखेंगे अलग अलग तरीके के जानवर, हाथी घोड़े देखते रहते हैं, मतलब हाथी शेर सांप वाप काफ़ी चीज़ें होंगी अंदर। तो चलते हैं। और भाई टाइगर वाइगर देखा नहीं है, बहुत दिन हो गए, तो टाइगर से ही मिल लेते हैं। दूसरा एक टाइगर जा रहा, दूसरे टाइगर से मिल रहे। अच्छा अभी हम बाहर हैं एकदम, और यहाँ पर देखो नेशनल जूलॉजिकल पार्क, और ये है एकदम गेट। तो अभी अंदर चलते हैं। मैं भाई ट्रेन से आया हूँ, और ट्रेन से ऐसा आया हूँ भाई, मतलब बिना टिकट के मैं ट्रेन में आज फर्स्ट टाइम मैंने सफ़र किया था बिना टिकट के ट्रेन के अंदर। और मुझे डर तो लग रहा था, बट डर के आगे जीत है, तो जीत गए और पहुँच गए हम कहाँ, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चिड़ियाघर बंद हो गया है? क्योंकि यार यहाँ पे कैंटीन हुआ करती थी, बट कैंटीन यहाँ पर है ही नहीं, गायब हो गया भाई, पता नहीं कहाँ गया यहाँ से सब कुछ। और हम लोग अंदर चलते हैं घूमने। वहाँ पे देखो सामने भीड़ लगी पड़ी है, और भीड़ क्यों लगी है भाई, ऑनलाइन टिकट बुक होता है आजकल, और ऑफलाइन का ज़माना ख़त्म हो गया है, तो मैं घर पर इसलिए बुक कर लेता कल ही। आप लोगों को बता दूँ कि पर पर्सन यहाँ पे 80 रुपये का टिकट है, एक मतलब 12 साल से ऊपर का 80 रुपये का, ऐसे नीचे 30 या 40 रुपये ऐसे ही होगा। तो जो भी चैनल पे नया है पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भीड़ लगी पड़ी है टिकट के लिए मुझे पता है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुक होने लग गई आजकल, और काफ़ी लोगों को पता नहीं है ऑनलाइन टिकट के बारे में। तो हमारी एंट्री यहाँ से होगी, देखो प्रवेश लिखा हुआ है ना, प्रवेश द्वार, तो यहाँ से एंट्री होने वाली है। और पीछे शायद मेरे ख्याल से पुराना किला है वो, जो आपको दूर दिख रहा है ना बॉर्डर सा दीवार से दिख रहे ना, पुराना किले का है। गाइस अभी हो चुके हैं हम लोग एंटर जू के, और भाई अभी चलते हैं घूमते हैं। और फिलहाल यहाँ पे ना भाई बच्चे भी आए हुए हैं, मतलब स्कूल से लाते हैं ना पिकनिक पे बच्चों को, तो उस तरीके के बच्चे भी आए हुए हैं, और काफ़ी दो तीन स्कूलों के बच्चे आए, क्योंकि मैं एक स्कूल के देख रहा हूँ और एक दो स्कूल के अंदर चले गए मैंने देखा था। और फिलहाल भाई मैं लाया था बैग में लड्डू, बट लड्डू मैंने सोचा बाद में खाऊंगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ खाने सामान अंदर नहीं ले जाना, बाहर ही खा लो। तो भाई लड्डू को मैंने बाहर ही खा लिया, पानी की बोतल रखी है खाली बैग में, और बस पानी पी पी के घूमेंगे पार्क और क्या करेंगे, क्योंकि अंदर तो खाने पीने का सामान मुश्किल ही है मिलता है लेकिन महंगा मिलता है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल यह है कुछ इस तरीके का एंट्रेंस, तो एंट्रेंस बाहर से गाया मैंने, तो सामने से कुछ ऐसा दिखेगा, और वहाँ से आया हूँ मैं सामने से, वहाँ उस सामने दिख रहा है जहाँ पे गार्ड वार्ड खड़े हैं, वहाँ से मेरी एंट्री हुई है। चलो अभी घूमते हैं भाई, ये स्कूल की मैडम है, देखो बच्चों को छोड़ के फोटो खिंचवा रही है, देख रहे हो? गलत बात है, ऐसा मत करना, अगर आप लोग टीचर है तो आप लोग ऐसा मत करना। ओके ये देखो ये फिश दिख रही है आपको, कितनी बड़ी फिश है ना, लेकिन ये पूरी प्लास्टिक से बनी हुई है। प्लास्टिक को कुछ इस तरीके से भाई एक कमाल की चीज़ बनाने में यूज़ कर लिया सारी प्लास्टिक को, भाई मस्त लग रहा है ना। चलते हैं आगे। तो भाई खाली खाली से लग रहा है, पता नहीं क्या है। लो भाई सबसे पहले आपको मैं दर्शन कराता हूँ, भाई मतलब दिखाता हूँ यहाँ पर ये ब्लैक बतख देखो, मतलब इस तालाब के अंदर एक ही दिख रही है मुझे, और बाकी कहाँ है भाई? कहाँ हो बेटा, आ जाओ बाहर आ जाओ, सो रहे हो क्या? और बाकी तुम्हारे साथी कहाँ भाई? बोलिए मैं अकेले ही हूँ। वैसे बतख नहीं है भाई, ये ब्लैक हंस है, मतलब काला हंस है ये, और सॉरी। इस रास्ते पे हमें देखने को मिलेंगे ये सब चीज़ें, पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो, सारा पढ़ के बताऊँगा ना। लेकिन ये शेरपूंछ बंदर मुझे देखना है, शेरपूंछ बंदर कैसा होता है, और बाकी सब तो देखेंगे ही, लेकिन शेरपूंछ बंदर देखेंगे पहले। और इधर भी देखो ये सब चीज़ें दिखेंगी, तो आओ चलते हैं भाई बिना किसी देरी के, क्योंकि ये सब देख के चलेंगे आज। आप लोग को लेके आए हैं, मतलब मैं खुद आया हूँ, तो पहले मैप दिखाता हूँ आपको, इसका मैप देख लो, मैप देखने के बाद फिर चलेंगे, एक शेर दूसरे शेर से मिलेगा आज, आप बने रहना बस। ये देखो ये है मैप इस पूरे जू का, काफ़ी बड़ा मैप है, और कितने एरिया बना है ये लिखा है क्या कहीं? कहीं डिटेल तो नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन चलो। भाई यहाँ पर क्या है, मतलब पूरा खाली है, अरे कुछ है कि नहीं है इधर, देखना जरा भाई, पूरा खाली पड़ा। अरे है उधर सामने है, जो भी है उधर सामने है,
ये नील गाय है मेरे ख्याल से, नील गाय है ये, और इतना बड़ा इनको जगह दे रखा है नील गाय को रहने के लिए। थोड़ा हमें दे तो नील गाय के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। अरे क्या चिल्ला रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे उड़ी बाबा, ये तो कुछ चिल्ला रहा है ऊपर, देखो क्या चीज़ें उड़ गया। अरे भैया पकड़ो तुम अपने पंछियों को, देखो उड़ गया चिड़ियाघर से भाई, चिड़ियाघर से पंछी उड़ गया, देखो गायब हो गया, बैठा हुआ है, दिखाता हूँ एक और बैठा हुआ है बहुत ही बड़ा भाई, पंख तो ऐसे हैं मतलब पूछो मत। ये रहा, ये देखो भगा भगा भगा, उड़ता गया उड़ के। देखो इसके अंदर पानी के अलावा कुछ फ्री नहीं मिलेगा, देखो पानी यहाँ पे लगी हुई है, नल पानी पी सकते हो फ्री में, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर घर बना रखे हैं और पता नहीं किसके लिए बना रखे हैं वो नहीं पता, लेकिन वो दिख नहीं रहा वो चीज़। अरे अरे दिखा दिखा दिखा, वो भी दिखा मुझे जिसके लिए घर है स्पेशली, वो देखो वहाँ पर बंदर बैठा हुआ है ना, वो देखो। हाँ भाई इधर आ जाओ, थोड़ा पास में आ जाओ ना मेरे, शेर पूंछ बंदर, लेकिन शेर जैसी पूंछ होगी ना इसकी तो, लेकिन इसकी शेर जैसी पूंछ तो है नहीं, छोटी सी तो पूंछ है। देखो गाइस अभी देखते हैं हॉग डियर, हाँ हॉग डियर सही सुन रहे हो, हॉग डियर, और हॉग डियर ये रहे देखो भाई, इनका नाम ही हॉग डियर है, मजे मतलब ठीक है ना। देखो हॉग डियर काफ़ी सारे हैं, हाँ चलो एक चीज़ तो हमें देखने को मिली भाई यहाँ पे हॉग डियर। आओ भी आगे चलते हैं, और आज यार मैं बैग लेके आया हूँ, पता है क्यों? इस बैग में पानी की बोतल, अरे बता दिया हूँ, क्यों बता रहा हूँ दोबारा, मैं पागल हो गया हूँ क्या यार। चलो ओ भाई कोई एक हिरन दिखाता हूँ भाई, जिसकी सींग है मतलब वो रही सामने है भाई, देखो उधर वो जिसकी सींग है, लेकिन वो आगे नहीं आ रही। अंकल जी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ये सामने क्या है? क्या अंकल जी? सांभर। सांभर हिरन। अबे साले सांभर खाना है? नहीं सांभर हिरन दिखाता हूँ यार, सांभर खाओ मत, सांभर हिरन दिखाता हूँ। ये जी सांभर हिरन, एक ही सांभर हिरन वो सामने, वो रही वो भी बेचारी अकेले घूम रही है यार। ये अकेले को रखा है सांभर हिरन को, सांभर के साथ इडली भी रखो, नहीं रखा इन्होंने, वो भी बैठ गई यार, सारे बैठ नहीं बैठी। अबे यार दो है, मैं तो एक बोल रहा था, यहाँ पर दो है। देखो एक नीचे आ रही है, उतर रही है, एक दो है, कम से कम बातें तो करेंगे, आपस की सुख दुख बांट लेंगे, है ना? बात तो सही है। लो सांभर हिरन देख लो, लेकिन ये तो सुसु कर रहा है। चलो भाई चलो करने दो उसे। गाइस ये है ब्लैक बग, और ये कहाँ घूम रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्या ढूंढ रहा है, ढूंढ क्या रहा है? पानी से गलती हो भाई। अरे देखो इतने पास से देख रहे हो, हिरन बहुत देख रहे हैं। ये देखो गौर से देखना, गौर को। अरे लेकिन गौर है कहाँ? गौर से देखे क्या गौर को भाई? गौर तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ हो गया। यह दुनिया का सबसे बड़ी गाय है, लेकिन है कहाँ गाय ये? इस गाय की कमाल की बात है भाई, इसमें दो क्वालिटी ऐसी है कि बहुत ही कमाल की, मतलब इसकी सूंघने की क्षमता और सुनने की क्षमता, हाँ जो सुनते हैं ना कानों से, उसकी क्षमता भाई बहुत तेज है। दिख गई गौर से देखा मैंने तो, गौर दिख गई भाई। वो रही वो सामने देखो गौर है, वो गौर से जब मैंने इसको देखा तो ये दिखी, लेकिन आप लोग को नहीं दिखी क्योंकि मेरा फ़ोन जो है भाई इतना फोकस नहीं कर पा रहा है। देखो वहाँ पर है, और मुझे लगता है भाई ये दुनिया की सबसे ऊँची गाय है, बड़ी गाय है, क्योंकि लगी नहीं रहा देखने पर, नॉर्मली जैसे गाय होती है हमारे यहाँ गाँव में, यहाँ वैसी दिख रही है। डियर बहुत सारे देख लिए, हग डियर, सांभर, इडली, डोसा, सब डियर देख लिए, अभी चल रहे हैं कुछ अलग देखेंगे, क्योंकि ये पूरा डियर ही डियर दिख रहे हैं यहाँ पर। और गौर को हमने बड़े गौर से देखा, जब हमें गौर जाके दिखा एकदम तो मस्त वाइब आ रही है थोड़ी सी, और ना और क्या बोलें यार, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ये तो ज़रूरी होता है यार हमारे लिए, देखो हर एक क्रिएटर के लिए ना ये चीज़ ज़रूरी है, फटाफट से कर दो, नहीं तो बैठ के यहाँ रोने लग जाऊँगा भाई, जल्दी कर दो। नहीं तो सोच रहे हो यार अभिषेक आज इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है भाई, कुछ नया करने का सोच रहा हूँ। वैसे थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, इतनी भी नहीं कर रहा लेकिन थोड़ी बहुत कर रहा हूँ। ये फंस गया सी है, भारतीय गैंडा है ये, फालतू मत बोलना, भारतीय गैंडा है, लेकिन है किधर गैंडा ये भाई? गैंडा किधर है? अरे यूरे भाई यूरे, सामने यू पड़े तालाब के अंदर, मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ सिर्फ, ये पड़े यहाँ पर देखो तालाब के अंदर, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इन लोगों के लिए। हाँ वैसे बात तो सही है यार, गर्मी पड़ी रही है, और ये दोनों के अंडे पड़े हुए हैं इस तालाब के अंदर। भाई उठ जाओ, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है ठीक है ना, उठ जाओ चलो, यहाँ पे काम धंधा कर लो, पब्लिक को तुम्हें एंटरटेन करना है। देखो मिलने आए थे, इनकी अभी आँखें नहीं खुली है, चलो आए हैं भाई तोते होते देखने, काफ़ी अलग तरीके का, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रजाति के हमें देखने मिलेंगे तोता मैना। अरे बहुत जोर से चिल्ला रहा है, किधर है किधर?
चिल्ला कहाँ से रहा है? अच्छा ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा, देखो ये बैठा भाई। राम राम गाइस, मैं अकेला आया हुआ हूँ यार। और पता है यार, अकेले आने का एक फ़ायदा तो है, शांति से घूम सकते हो, इतना जितना मन करे उतना घूम सकते हो शांति से। तो जब पास का हो तो कोई टेंशन नहीं, आराम से घूम लो, मर्जी कर लो, और अकेले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब वैसे दूर कहीं जाओ, जैसे कहीं दूर जाओ ना, तो फिर साथ में कोई हो ना, जब मज़ा आता है, जैसे तीन चार फ्रेंड हो जब मज़ा आता है। बट यार अकेले आया हूँ, लेकिन थंबनेल की फ़ोटो कैसे लूँ मैं? थंबनेल लेना है भाई, थंबनेल कैसे लूँ भाई? आ जाओ कोई, निकल के बाहर आ जाओ, मेरी एक फ़ोटो खींच दो थंबनेल के लिए। सारे मना कर रहे हैं, ये सारे मना कर रहे हैं, हमें खिंचवाना ही नहीं है। आ रहे हो? नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा भाई। ये इस चीज़ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, सफ़ेद मोर। और सफ़ेद मोर, ओ माय गॉड भाई, क्या दिख रहा है वो, देखो ऊपर, ओ ओए पंख खोल रहा, पंख खोल रहा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ओरा ओरा ओरा, सफ़ेद मोर है भाई। ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन भाई काफ़ी प्यारा है, काफ़ी प्यारा है भाई, प्यारा है, बहुत प्यारा सफ़ेद मोर। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सफ़ेद मोर। अभी पंछियों वाला जोन भी ख़त्म हो गया, ये पूरा पंछियों का जोन था जो कि पूरा देख लिया हमने। और अभी चलो आगे चलते हैं और रात के पहरेदार को देखते हैं। बताओ रात का पहरेदार कौन होता है? फटाफट से बताओ कौन करके, रात का पहरेदार कौन है? नहीं पता भाई, अपना उल्लू यार, दिन में सोता है रात में जगता है। आ गए हैं उसके जोन में, लेकिन यहाँ पर तो एक भी उल्लू नहीं दिख रहा यार। अरे दिख गया, दिख गया, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा, देखो सामने ये रहा। अरे उल्लू नहीं भाई, ये चील है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, दिख नहीं रहा भाई, उल्लू उल्लू मेरे ख्याल से ना लग रहा है सो रहे हैं। सुबह हो रहा है ना, वो तो रात के पहरेदार हैं। उल्लू के पास से हमें उल्लू तो मिले नहीं, लेकिन निराशा जरूर मिला उल्लुओं से। और लेकिन अभी छोड़ो, उल्लू ने देखे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो हम चल रहे अभी क्रोकोडाइल देखने, मतलब मगरमच्छ देखने, अफ्रीकन हाथी, और बाकी जो है पशु चिकित्सालय, मतलब हॉस्पिटल पशुओं के लिए आ गई है। तो आओ क्रोकोडाइल से मिलवाते हैं क्रोकोडाइल। गाइस मुझे यार एक चीज़ के लिए रोना आ रहा है यार, बिल्कुल मुझे सच बताऊँ सच में रोना आ रहा है, क्योंकि यार मुझे एक भी फ़ोटो नहीं खींची अभी तक। मतलब भाई आया हूँ तो एक दो फ़ोटो तो होनी चाहिए ना, मुझे लोकेशन तो मिल रहा है बढ़िया बढ़िया, लेकिन फ़ोटो नहीं मिली एक भी यार, कोई मिल भी नहीं रहा साथ में खिंचवा लूँ फ़ोटो। एक आए थे, एक कपल आ रहे थे, मैंने सोचा कि बोल दूंगा यार भाई से कि भाई मेरी फ़ोटो खींच दे यार, लेकिन यार वो तो दूसरा रास्ता पकड़ लिए अपना। चलो कोई नहीं, और देखेंगे किसी और को, लेकिन यार ये गलत है यार, यही तो दिक्कत है। कुछ दिक्कत भी है, कुछ प्रॉफिट भी है। मैंने बताया नहीं था कि भगवान जो भी करवाता है अच्छा करवाता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ कमी भी आ जाती है, लेकिन भगवान बेटर ही करता सबके लिए। तो फिलहाल और छोड़ो, जय महादेव करके चलते हैं आगे। अरे जी क्रोकोडाइल किधर है? क्रोकोडाइल इस वाले रास्ते पे, इधर से जाना पड़ेगा, इधर से जाऊँ, इधर से जाऊँ। ओह काली बिल्ली यहाँ पे क्या कर रही है भाई? ओह ओह भागी भागी, ये पानी पी पी के आ गया एक नंबर। पहले एक नंबर हो गया था, फिर बातचीत करेंगे आगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, पक्का खिंचवाएंगे, किसी ना किसी चीज़ खिंचवाएंगे। गाइस चलो आ गए हैं, थोड़ा हो गए हल्के, और अभी दिखाता हूँ क्रोकोडाइल। गाइस ये है क्रोकोडाइल, और देखो विश्वास नहीं मानोगे, क्रोकोडाइल है ये, नहीं स्टैचू नहीं है, बिल्कुल भी स्टैचू नहीं है, क्रोकोडाइल ही है ये, क्योंकि लगे ऐसे रहे भाई सोए हुए हैं, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, और मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा आई डोंट नो, बट देखो भाई क्रोकोडाइल है, और भाई दो हैं एक साथ सोए पड़े हैं, बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। मगरमच्छ ने कोई मूवमेंट कोई कुछ नहीं किया भाई, मेरे ख्याल से जब खाना मिलता है जब वो कुछ करता है। अभी क्या देखने चल रहे हैं हम? देखने चल रहे हैं लॉयन, देखने चल रहे हैं लॉयन किधर है? सामने लॉयन है, इसी के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पर भाई। यहाँ पर है लॉयन, लॉयन बोलते हैं, लायन बोलते हैं, हाँ इंग्लिश पे यार ध्यान नहीं देते हैं, मतलब शेर दिखाता हूँ, शेर। इतना बड़ा एरिया लॉयन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक गार्ड खड़ा हुआ है स्पेशली, और ये लॉयन ही है यहाँ पर। आ जाओ दिखाता हूँ लॉयन आपको, लो गाइस देख लो भाई लॉयन देख लो, ये रहा लॉयन। गाइस बस बस बस, शेर आपको अगले वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि जू छोटा था नहीं, वहाँ का काफ़ी बड़ा जू था, तो भाई दो पार्ट आएंगे इसके, तो इस वाले ब्लॉग में तो भूल ही जाओ, मतलब शेर देखना, यहीं पर ब्लॉग एंड हो रहा है, तो अगले वाले ब्लॉग मिस मत करना, क्योंकि अगले वाले ब्लॉग में सारे खतरनाक जानवर आपको दिखने वाले हैं, भालू से लेके शेर चीता बाघ सब कुछ उसमें दिखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और जिसने शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, पैसे वैसे कुछ नहीं लगते, फ्री है सब कुछ, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर वो ब्लॉग आएगा तो, और आगे कोई ब्लॉग आएगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो बेल दबा लेना, घंटी बजेगी घंटी, तो उसे बजा देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। जगह लग जा गले लग जा।